अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना सीखेंगे कीमे का पुलाव। ये कीमे का पुलाव आप किसी भी गोश्त से बना सकते हैं, जैसे कि लैम से या फिर मटन से, कोई भी आप गोश्त ले सकते हैं। ये मजे का पुलाव हम इतनी आसानी से बनाएंगे कि इसके रिच फ्लेवर को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें आपने एक लार्ज अनियन काट कर डाल देना है इस तरह। और अब हम इसको सौटे कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर नहीं दे देते। ये देखिए इनका गोल्डन कलर हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब हम इसको सौटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा सीड। जीरा सीड डालने से इस चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 1 से 2 अदद सब्ज इलायची डालेंगे, काली मिर्च 4 से 5 अदद, 1 अदद स्टार नीस डाल लेते हैं, दालचीनी का टुकड़ा और 1 मोटी काली इलायची। उसके बाद 2 अदद कड़ी पत्ता डाल देते हैं। इनसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस 30 सेकंड के लिए आप इनको फ्राई कीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी 1 टेबल स्पून। आप पानी डाल दीजिए। ये हम सिर्फ कलर निकालने के लिए डाल रहे हैं ताकि खूबसूरत सा कलर बाहर आ जाए। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि प्याज ने अपना कलर छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। आप हसब जायका अपने हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिए। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इनको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स यानी सुर्ख कुटी मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टमाटर काट कर आप डाल दीजिए। इसको भी हम हल्का सा सौटे कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट दीजिए इसको। 200 ग्राम आप कीमा डाल देंगे। किसी भी गोश्त का कीमा आप डाल सकते हैं। कीमे का क्लिप हमसे मिस हो गया है, बस आप 200 ग्राम कीमा इसमें शामिल कीजिए। 5 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पर इसको भूनना है। और ये देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी की मिकदार आपने चावलों के हिसाब से डालनी है। 1.5 कप मैं चावल ले रही हूँ तो उसके हिसाब से आपने 3.5 कप मैं पानी डाल रही हूँ, यानी 3 भरे हुए कप और 1 आधा कप। पानी डालने के बाद हम इसको हल्का सा हिला लेंगे और इसको हम उबाली आने तक पका लेंगे। उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। कीमे के चावलों में इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए पानी उबल चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। इसमें चावल शामिल करूंगी 1.5 कप, यानी 1 पूरा और 1 आधा कप। चावल आप चाहे तो बासमती डाल सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल चावल भी डाल सकते हैं। मैंने चावलों को अच्छी तरह धो लिया था और उनको 2 घंटे के लिए भगो के रख दिया था। बिल्कुल हल्के हाथों से लाइटली आपने इनको मिक्स करना है ताकि जितना जो कीमा है वो चावलों में शामिल हो जाए और चावल की गुठली ना बने। इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसके पानी को ड्राई करना है। जैसे ही पानी ड्राई होने लगे तो उसके अंदर आपने सब्ज मिर्चें काट के डालनी है और धनिया डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक बारीक काट कर। अब इनको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे चावलों के अंदर ताकि इनकी खुशबू चावलों में शामिल हो जाए। अब हम इसको कवर करके दम दे देंगे। कपड़ा ले लीजिए या शीट ले लीजिए और फिर हम इसको कवर कर लेंगे और कवर करके हम 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये दम लग चुका है और एक एक चावल जो है ना वो अलग हो रहा है। जो कीमा है आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही टेस्टी और मजेदार सा ये पुलाव बना है। कीमा जो है जब वो छोटे छोटे पीसेस में होता है तो वो जल्दी गल जाता है, इसलिए आपने बहुत ज्यादा इसको पकाना नहीं है या भूनना नहीं है, फ्राई नहीं करना, क्योंकि वो फिर सख्त हो जाता है और खाने में भी मजे का नहीं लगता। आपने उसको बस 5 से 10 मिनट देने हैं हाई फ्लेम पर। इसको भून लीजिए तो ये परफेक्ट हो जाता है। और जब पानी में हम इसको उबालने के लिए छोड़ते हैं तो फिर ये और भी टेस्टी हो जाता है और इसका जितना जूस होता है वो चावलों में शामिल हो जाता है। इसके साथ मैंने सैलेड काट लिया है टमाटर और प्याज का, ऊपर मैंने छिड़की है काली मिर्च और नमक और साथ ही लेमन। बहुत ही मजेदार किस्म का ये सैलेड आप सर्व कीजिए इन चावलों के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। ईद पे बनाइए गोश्त के कीमे का मजेदार पुलाव। लैम कीमा पुलाव मजेदार भी है और खुशबूदार भी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उसको प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।